किसान साथियों राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल। मैं हूँ आपका छोटा भाई जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज का ऑफर। हम इस समय हैं यशोदा कोल्ड स्टोरेज बाग लकुला फरुखाबाद। देखिए भाई, यहाँ पे कुछ वानगी निकली हुई है ख्याति आलू की। भाई एक वानगी ये है, एक ये है, ये रफीदार आलू है फिलहाल। और किसान साथियों एक अब वानगी ये निकली हुई है। पूरा अपडेट देखें, लास्ट तक देखें, बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे किस रेट आज यहाँ पे आलू की बिक्री होगी। फिलहाल अभी वानगी निकली है, अभी बिक्री ये नहीं हुई है। तीन वानगी इधर रहेंगी और बाकी आलू फिलहाल कट रहा है इस कोल्ड में। कोल्ड के बरामदे जो हैं फुल हैं फिलहाल, जो भी कुछ बरामदे हैं। देखिए भाई, इधर भी कटा हुआ आलू है, करीब करीब सुबह का कटा हुआ है। इस समय घड़ी में बज रहा है करीब करीब 1:30। आलू का साइज अच्छा है, इसके अंदर कोई चेचा ही की शिकायत नहीं है फिलहाल। तो इस समय जो लेबर जो है वो लंच कर रही है, क्योंकि समय हो गया खाने पीने का। मैं आपको दिखाऊं, इधर भी आगे भी 3-4 वानगी लगी हैं भाई। कुछ वानगी इधर भी हैं, तीन चार वानगी इधर की भाई। ये देखिए भाई, इसके अंदर चेचक है, डग्गा साइज है ये। एक वानगी ये है और एक ये वानगी है। सिर्फ ये जाली के अंदर वानगी ज़्यादातर हैं, ये जाली पड़ी हुई है, इसी की वानगी है ये। अच्छा, देखो भाई। तो भाई अपडेट पे पूरा ध्यान रखें, पूरा अपडेट देखें लास्ट तक। इस तरीके का भी आलू कट रहा है कोल्ड के अंदर, आप देख रहे हैं छिलता छिलाता आलू है ये। अब चलते हैं ऊपर वाले बरामदे में, लेंगे थोड़ी उसकी भी जानकारी। ये देखो, ये बरामदा इधर खाली है भाई। किसान भाइयों, कल मैं कानपुर की चक्रपुर मंडी गया था, तो वहाँ पे काफ़ी जो बिक्री जो थी बहुत ढीली बिक्री थी। सुबह 11:30 बजे तक बिक्री शुरू नहीं हुई थी, ऐसा मद्दा था कल कानपुर में बहुत ज़्यादा। बहुत धीरे धीरे आलू बिक रहा था कल। देखो भाई, दो वानगी इधर भी है निकली हुई। ये शुगर फ्री में है क्या? जर्नली हैं ये भी, शुगर फ्री का चैम्बर आगे है। ये देखो भाई, ये भी जर्नल आलू है। एवरेज क्वालिटी आलू है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फिलहाल। ये भी देखो भाई, छिलते छिलाते आलू हैं ये। तो अभी बिक्री हुई नहीं इनकी है, अभी नहीं। ये देखो भाई, इधर कुछ सौदा चल रही है आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। किसान भाइयों, चिप्सोना शुगर फ्री का चैम्बर है इधर, 50,000 पैकेट का चैम्बर। गुड मॉर्निंग सर। यार समझ निकल गयो भैया, क्या वो गुड मॉर्निंग है? मैं आपको दिखाता हूँ इधर।
ये देखो भाई हमारे प्यारे किसान साथियों, ये शुगर फ्री में चिप्सोना शुगर फ्री आलू है। साइज इस तरीके से है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा साइज नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इस तरीके से गुल्ला लगा हुआ है इसमें। इधर हमारे साथ किसान है, कुछ जानकारी इनसे भी लेते हैं। शुभ नाम बता देना अपना। सुनील कटियार जी, किस गांव से हो आप? कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने की पैकेट की लाट थी ये? 130। पूरी बेच दी या थोड़ा बेचा इसमें? 100 पैकेट। 100 पैकेट बेचा और 30 अभी रहने दिया था। अच्छा, तो किस रेट सौदा हुई है? 565 रुपये प्रति पैकेट के साथ, 53 किलो की भराई के साथ में। अच्छा, तो सौदा कुछ बाद में करोगे क्या? क्या रहेगा? अच्छा अच्छा, और इससे पहले कुछ बेचा था क्या? पहली बार बेचा है, पहली बार सौदा करी है। पिछले साल भी आपने चिप्सोना ही रखा था क्या आलू? हाँ, अच्छा। पिछले साल डंप किया था? डंप किया था, कोल्ड से नहीं बेचा था? कोल्ड से, घर पे लगा दिया। अच्छा अच्छा, तो इस बार कोल्ड में डाला है? तो इधर कुछ मंडी में बिल्कुल भी नहीं बेचा है? पैकेट नहीं बेचा मंडी में, बिल्कुल भी नहीं बेचा है? इस बार तो बहुत सस्ते मिल रहा है, बल्कि बहुत मद्दा जा रहा है। इसमें तो लागत नहीं निकलेगी 565 रुपये? हाँ, जो कुछ है भाई सही दो। और इसमें कोल्ड भाड़ा भी आपको ही देना 565 में? और कोल्ड भाड़ा है कितना देने का, कितना देना पड़ेगा कोल्ड भाड़ा? 130 के आसपास, 130 वो निकल गया 565 में से, 435 रुपये बचा पैकेट का, क्योंकि इसमें लागत भी अच्छी खासी आती है चिप्सोना में। जी देखो भाई हमारे प्यारे किसान साथियों, 421 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से सौदा हुई है भाई। ये घी लाट है, घी थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर नाखूनों की शिकायत है। और ये है घी, 421 रुपये पैकेट। आलू के अंदर थोड़ी बहुत रफी है घी। अपडेट पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते रहें भाई, हमारे प्यारे किसान भाइयों। अरे भाई पूछने वाली पूछो मत, 421 रुपये ये भी बिकी है भाई। चार सौ 421 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से। ₹401 भाई, देखो प्रति पैकेट 401 रुपये। देखो भाई इसमें जो है इस तरीके से आलू है। गोली गोली, ये है गोली, ये गोली है, ये है, आप देख रहे हैं इस तरीके से गुल्ला उल्ला लगा हुआ है इसके अंदर। थोड़ा बहुत जो है मैं आपको दिखाऊं, ये देखो भाई हरा लगा बैठे। ये देखो भाई हमारे प्यारे किसान भाइयों, 401 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से ये बिका है भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा आलू फिलहाल तो नहीं है, थोड़ी बहुत चेचक है इस आलू के अंदर। और
मैं पूछ रहा हूँ, एक ये लाडे की ये भी 401 रुपये, ये देखिए भाई इस तरीके से इसके अंदर गुल्ला लगा हुआ, ये भी 401 रुपये प्रति पैकेट, फिट कोड भाड़ा 53 किलो भरा एक साथ। ये देखे भाई हमारे प्यारे किसान भाई, 401 रुपये प्रति पैकेट है, मटियार मट्टी का आलू है, थोड़ी बहुत एक आता है, क्या बन रहा है ये देखिए भाई 411 रुपये ये बिका है भाई प्रति पैकेट विद कोल्ड भाड़ा 53 किलो के भाई, साथ में दागी और हरा बाद है ये पैकेट, और ये पैकेट एक ही है, ये पहले कटा था ताकि ये सूख चुका है, ये अभी पैकेट कटाया गया है जो कि गीला है, 411 रुपये प्रति पैकेट। किसान साथियों भाई मिलते हैं बबलू भैया से, आलू कमीशन एजेंट हैं ये यशोदा कोल्ड के भैया। राम राम भैया, कैसी क्या बिक्री करी आज, कितने पैकेट की सौदा हुई आज, बिक्री हो गई होगी 1000 पैकेट, 1000 पैकेट। ख्याति बुगराजी बिका फिलहाल, और एक लाट चाय चिप्स सोना बिकी है, तो कहाँ तक बिके आलू आज, आलू आज भाई 425 रुपये, यानी 300 रुपये दाम आएंगे किसान के हाथ में, 300 के कहाँ आएंगे, 250 रुपये आएंगे, 300 हो जाएंगे भाई। हाँ हाँ सही कहा, 200 रुपये खर्चा है, 200 रुपये खर्चा, 90 रुपये पड़ेगा। हाँ हाँ मतलब वही है, मंडी जैसे ही भाव मिल रहा है, जो मंडी में बिल्कुल मध्य में जो बिक रहा था 300 रुपये कुंटल, 350 रुपये कुंटल बिकी मंडी। हाँ बस वही दाम आ रहे हैं किसान के, दाम नहीं आ रहे, वो कोल्ड में जा रहे 200 रुपये कुंटल के अंदर जा रहे हैं। हाँ वो तो सोची है जी जी, वो दाम आए तो किसान खुश नहीं, वो कुंटल के थे ना, कुंटल के था ना दाम, हाँ 350 रुपये कुंटल बिका था ना, वो 350 रुपये कुंटल बिका था, यहाँ पे 300 रुपये पैकेट, मतलब कि 280 रुपये पैकेट मिल रहा है, तो कुछ ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है फिलहाल। आज कितने किस तरीके से किसान आए आज, किसान तो आए थे लेकिन कुछ लोग जो है पर्ची निकल नहीं पा रही हैं, कुछ लाटे फंसी भी हैं अंदर हैं जी 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 जी। ये भी किसान, आपका किस रेट बिका आलू आपका, हमने परसों बेच दिया। अच्छा अच्छा परसों बेचा था, कौन सा था, ख्याति ख्याति था, 400 के लमसम दिया, 400 के आसपास वही रेट, वही रेट है। तो हफ्ते में 2-3 बार हो जाती सौदा या वो, हम तो रोज करें लेकिन सौदा आना है तो हम रोज करेंगे। किसान आए, किसान आना चाहिए, सौदा तो रोज होगी, लेकिन जो है किसान अभी नहीं आ रहा है, किसान की भी आगे मजबूरी है कि इतना मद्दा आलू बिक रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा, आलू अभी बेचे या थोड़ा और रुकें, क्या है क्या आगे और मद्दा हो सकता है, भगवान ने सुन ली तो हो सकता है कुछ और दाम बढ़ जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए, हो सकता है परिस्थितियाँ आए, कुछ परिस्थितियाँ बनने का चांस कम, बिगड़ने का ज़्यादा, बिगड़ने का ज़्यादा लग रहा है किसान को। हाँ अच्छा, पिछले साल से मका भी डाउन चल रही है अभी, और पिछले साल किस सौ तक बिकी थी, 2000 अच्छी पिछले साल से मक्का किस साल। चलिए ठीक है, आपने अपडेट दिया हमारे YouTube चैनल को, इसके लिए धन्यवाद, देखते रहें हमारा YouTube चैनल, आज का ऑफर सबसे पहले सबसे तेज़।